उत्तर प्रदेश के तेवरिया जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में अभी हाल ही में एक स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं इस घटना के बाद व्यापारियों में काफी नाराजगी थी और इलाके में भारी रोष व्याप्त था। पुलिस अधीक्षक के कुशल नेतृत्व में जल्द अपराधियों की पहचान कर ली गई, जिसके बाद पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना का जल्द पर्दाफाश होने के बाद व्यापारियों ने खुद पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर एक ड्रोन कैमरा भेंट किया है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इलाके में एक लूट की घटना हुई थी, जिसके बाद दो दिनों में ही उसका खुलासा हो गया था। वहीं व्यापारियों के साथ एक मुलाकात की गई, जिसमें दो ड्रोन कैमरों की मांग की गई थी। वहीं इन ड्रोनों का इस्तेमाल पेट्रोलिंग के लिए किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। सरोफा दुकान के अंदर जा करके फायर करके उनका पिस्टल का भी लूट करके गए थे। वो केस दो दिन के अंदर वर्कआउट हो गई। पुलिस का सभी लोग बहुत ही एक मीटिंग करके सभी को उत्साह करने के लिए सभी को ऐसे एक मीटिंग हुई। उसी मीटिंग में मैं निवेदन कर दिया पुलिस का दो ड्रोन कैमरा परचेज करने के लिए, मदद करने के लिए। सरोफा दुकान ऐसे 2 लाख January 26 में पैसा दे दिया मेरे हाथ में मिनिस्टर के सामने, उसी में अभी हम ये कैमरा परचेज कर दिया। देवरिया से जनमत न्यूज के लिए अजीत सिंह की रिपोर्ट।